इस बीच खबर मिल रही है, दिल्ली में सिगरेट के धुएं को चेहरे पर छोड़ने के विवाद में एक लड़के की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। गुरप्रीत इस लड़के का नाम है। दिल्ली में एम्स के पास गुरप्रीत और मनिंदर की रोहित से कहा सुनी हुई थी। रोहित ने सिगरेट का धुआं गुरप्रीत और मनिंदर के चेहरे पर छोड़ा था। कहा सुनी के बाद रोहित ने कार से गुरमीत की बाइक से टक्कर मार दी। और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू, और क्या डिटेल्स हैं इस घटना को लेकर? देखिए, रविवार की ये घटना है और गुरप्रीत और मनिंदर दो लड़के जो फोटोग्राफी के स्टूडेंट हैं और अपने प्रोजेक्ट के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर के बाहर पहुंचे थे, उस जगह की रेकी करने के लिए जहां उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, और उसी जगह पर अपने काम खत्म करने के बाद वो पराठा खाने के बाद निकल रहे थे। तभी वहां पर रोहित नाम का एक लड़का है, वो सिगरेट के जो छल्ला होता है उसका धुआं उसे मारा और उसके बाद धुएं के कारण दोनों के बीच में बहस हुई। बहस के बाद गुरमीत और मनिंदर अपनी जो बुलेट है उससे बाहर निकल रहे थे, तभी इसने अपनी कार से टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद उसका बुलेट वहीं गिर गया और बुलेट उसकी गाड़ी में फंस गया। कुछ देर तक उसे घसीटा गया और जिसके बाद जल्दबाजी में जो आरोपी है रोहित महंता, जो असम का रहने वाला है, वहां से भागने की कोशिश की। इस दौरान इसने एक ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो को टक्कर मारने के बाद एक ओला कैब को टक्कर मारी। इसमें रोहित को भी चोट लगी, रोहित को भी भर्ती कराया गया, लेकिन थाने में पुलिस ने कैजुअल अप्रोच करते हुए एक्सीडेंट का केस दर्ज किया और थाने से इसे जमानत दे दी गई। आज जो गुरप्रीत का जो दोस्त है मनिंदर, उसका बयान लिया गया। उसने अपने बयान में ये कहा कि उसके साथ रोडरेज की घटना घटी है, उसके साथ ये हुआ था। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में आगे बढ़ाया और कि उनका कहना है 304 ए के तहत वो केस करने की तैयारी में, क्योंकि इसमें गुरप्रीत की मौत हो गई है। 3 दिन तक आईसीयू में रहा, उसके बाद उसकी मौत हो गई है। परिवार वाले को बेहद दुख हुआ है क्योंकि ये लोग भटिंडा के रहने वाले थे और दोनों स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजा था। जी राजू, जैसा आपने बताया रविवार की घटना है और लेकिन पुलिस ने जिस तरीके का ढीला रवैया अपनाया वो भी बहुत ज्यादा ताज्जुब में डालता है लोगों को। निश्चित तौर पर पुलिस के आला अधिकारी का ये कहना है कि इतनी जल्दी बिना इन्वेस्टिगेशन के ही जो जांच अधिकारी थे उन्होंने जमानत दे दी, क्योंकि सिंपल एक एक्सीडेंट मामला उस ओला कैब के ड्राइवर के बयान पर दर्ज किया गया और वहीं पर दो लड़के को गंभीर चोटें आई, उसका बयान उस वक्त नहीं लिया गया, उनसे अप्रोच उस ढंग से नहीं किया गया। लेकिन आज जब उसके परिवार वाले आए और गुरप्रीत की जब मौत हुई उसके बाद पुलिस ने इसमें जल्दबाजी की और इसका कहना है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और आईपीसी की धारा 304 गैर यातन हत्या के तहत इसमें केस दर्ज किया गया और पुलिस पर पूरी तरह से प्रेशर है कि इस केस को अच्छे तरीके से जांच करे। जी राजू, कुल मिलाकर बहुत ही दुखद घटना है और पहले पुलिस का ये लचर रवैया और जिस तरीके से लोगों में पेशेंस बिल्कुल नहीं है, रोड रेज की एक और घटना और छोटा सा विवाद और वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक शख्स की हत्या कर दी जाती है।